नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। बीजेपी सांसद राधामोहन को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। दरअसल बीजेपी सांसद राधामोहन दास अग्रवाल के परिजनों को एक बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से ही बवाल शुरू हो गया। लोन को लेकर बैंक का कहना है कि अग्रवाल का परिवार पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन कैटेगरी में आता है। अब संसदीय समिति ने रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के अफसरों को समन भेजकर तलब किया है। वही मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल के परिवार को ये कहते हुए लोन देने से मना कर दिया कि वो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद ये मामला संसद की वित्त मामलों की समिति में उठाया गया। रिजर्व बैंक के मुताबिक पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन या ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राजनीति या सरकार में ऊंचे पद पर होते हैं। इस कैटेगरी में स्टेट हेड सरकार, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक अधिकारी, आर्मी अफसर और सरकारी कंपनियों के टॉप एग्जीक्यूटिव शामिल है। साथ ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के नेता भी इसी कैटेगरी में आते हैं। लोन ना देने के मामले को लेकर 17 अक्टूबर को हुई संसदीय समिति की बैठक में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने यह मुद्दा उठाया और चिंता जाहिर की। इसके बाद तमाम दलों के सांसदों ने इस मामले पर अपनी सहमति जाहिर की। जब यह मामला बढ़ने लगा तो संसदीय समिति ने रिजर्व बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से NBFC से जुड़े मसले पर मौखिक सबूत देने को कह दिया है। RBI का कहना था कि पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन कैटेगरी में आने वाले किसी शख्स को ग्राहक बनाने का फैसला बैंक के सीनियर अफसर ही ले सकते हैं और ऐसे अकाउंट की नियमित अंतराल पर मॉनिटरिंग भी करनी होगी। इसी सर्कुलर में रिजर्व बैंक ने कहा था कि ये नियम पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन कैटेगरी में आने वाले व्यक्ति के परिवार और करीबी रिश्तेदारों पर भी लागू होगा। लोन को लेकर RBI की गाइडलाइन को लेकर बात करें तो RBI ने साल 2011 में एक सर्कुलर भी जारी कर कहा था कि बैंक पॉलिटिकली एक्सपोज कैटेगरी में आने वाले शख्स या ग्राहक के बारे में हर संभव जानकारी और सूचना जुटाए ताकि बात पुख्ता हो सके। रिजर्व बैंक ने कहा था कि इस कैटेगरी में आने वाले शख्स को ग्राहक बनाने से पहले बैंक उसकी पहचान ठीक से करे, तभी उसे लोन दिया जाएगा। खबर यहीं तक थी, इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी।